को पुलिस अधिकारी बताकर युवती से शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का मामला उजागर हुआ है, जिसमें पुलिस ने आरोपी रवि और तांत्रिक पर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस को कई और युवतियां शिकायत करने पहुंची, जहां तांत्रिक सीमा आरोपी रवि को अपना बेटा बताकर मिलवाती थी और तंत्र मंत्र का अंधविश्वास भ्रम जाल फैलाकर महिलाओं से लाखों की ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपी रवि के कई अलग अलग विभाग के फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए हैं। कभी खुद को पुलिस ऑफिसर एसआई बताता था तो कई महिलाओं को अंडरकवर ऑफिसर और कमिश्नर स्तर का अधिकारी बताकर अपने झांसे में लेकर धोखाधड़ी करता था। वो अब तक लाखों की ठगी कर चुका है। ये थे कि एक नकली सब इंस्पेक्टर पुलिस का पकड़ा गया था और उसने कई लड़कियों को अपने आप का पुलिस का रौब दिखा करके और उनसे ठगी करी है और उनसे बातचीत उसकी पुलिस को मिली थी। तो अभी और भी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मीडिया में खबरें आईं, तो लड़कियां भी पुलिस को अप्रोच कर रही हैं कि इसने जो है उनके साथ भी धोखाधड़ी की है और इसमें एक तांत्रिक है, उसकी भी भूमिका समझ में आई है। तो पुलिस ने उसको भी राउंड अप किया है, उससे भी पूछताछ चल रही है कि जो है उसकी क्या जो है एक्टिविटी रही है इसके साथ में। और एक बात ये भी पता चली है कि इन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर भी कुछ लोगों